YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, भारत के दिग्गज बिजनेसमैन और टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। रतन टाटा कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन ने न केवल भारतीय उद्योग का बल्कि पूरे देश को गहरा सदमा दिया है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के माध्यम से टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी है। उनके निधन की खबर से भारतीय उद्योग जगत में सन्नाटा पसरा हुआ है। देश की दिग्गज हस्तियों ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में और शिक्षा अमेरिका के ऑस्टिन विश्वविद्यालय से की। 1962 में टाटा ग्रुप में शामिल होने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और अंततः 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने कई नई कंपनियों की स्थापना की, जिनमें टाटा नैनो, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील शामिल हैं। कई देशों में टाटा ग्रुप का दबदबा, उनकी व्यावसायिक दृष्टि और नैतिकता ने उन्हें भारत में एक आदर्श नेता बना दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा ग्रुप की उपस्थिति की कई देशों में फैलाया और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। आज की तारीख टाटा ग्रुप पूरी दुनिया में विख्यात है। टाटा ग्रुप ने लाखों परिवारों को रोजगार दिया। इन सभी परिवारों के लिए रतन टाटा भगवान से कम नहीं है। रतन टाटा का निधन सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं है बल्कि भारतीय उद्योगों के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके योगदान और नेतृत्व के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और मित्रों के प्रति पूरा देश गहरी संवेदना व्यक्त करता है। रतन टाटा का व्यवसायिक दृष्टिकोण हमेशा समाज के प्रति जिम्मेदारी और नैतिकता पर केंद्रित रहा। उन्होंने अपने उद्योग को केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के विकास के लिए भी संचालित किया। उनके कार्य न केवल टाटा ग्रुप को बल्कि भारतीय उद्योग को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी जोर दिया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब सवाल यह है कि रतन टाटा का योगदान सिर्फ व्यवसाय तक सीमित नहीं था। वे एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, जिन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में दान किया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कई सामाजिक कार्य किए, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास शामिल है। उनकी विदाई ने एक युग का अंत किया है। न केवल बल्कि एक सफल उद्योगपति थे बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अनेक चुनौतीपूर्ण समय का सामना किया और उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पूरे देश में शोक की लहर, रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक हलकों तक हर कोई उनके योगदान और नेतृत्व की सराहना कर रहा है। कई प्रमुख हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके जीवन को एक प्रेरणादायक उदाहरण माना है। उनकी गहरी यादें और मूल्य हमारे साथ हमेशा रहेंगे। रतन टाटा की विरासत हमेशा टाटा ग्रुप और भारतीय उद्योग में जीवित रहेगी और पूरा न्यूज़ लाइव उनको श्रद्धांजलि।